आज हम सीखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के इनलेट वॉल्व की टेस्टिंग, जो वॉशिंग मशीन में पानी की सप्लाई को मशीन में देता है। तो इसमें कैसे चेक करेंगे हम, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे लिखा गया है कि इसका जो वर्किंग वोल्टेज है 230 वोल्ट एसी होता है। तो अगर आपको इनलेट वॉल्व में सप्लाई पानी का सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हम इसका इनलेट का सप्लाई चेक करेंगे। तो सप्लाई चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर के अंदर एसी रेंज में मीटर को रखना है। तो एसी रेंज में आप देखेंगे यहाँ पे ये एक वी के बाद एक एरो आप देख रहे हैं, साइन जो आ रहा है ये आपका एसी वोल्टेज का साइन है। तो मल्टीमीटर को आपको 500 की रेंज में सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे एक वी पे सिंबल देख रहे हैं आप, मैंने 500 की रेंज में रखा है। तो यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे मीटर में आपको 220 वोल्ट इस इनलेट वॉल्व पे पीसीबी से आने वाली सप्लाई को चेक करना है। अगर इसमें सप्लाई आ रही है और ये इनलेट वॉल्व काम नहीं कर रहा है, तब आपको इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर 230 वोल्ट सप्लाई अगर आपको मिल रही है, तो इसका मतलब आपका पीसीबी बिल्कुल ओके कंडीशन में है, मेन पीसीबी। इनलेट वॉल्व में हम टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे, अगर वोल्टेज आपको आ रहा है तो फिर आप इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद आपको मशीन को स्विच ऑफ करना है, पावर कट ऑफ कर देना है उसका, बिल्कुल प्लग आउट कर देना है। उसके बाद मीटर में, मल्टीमीटर में ओम्स में जो वैल्यू हम चेक करते हैं, उसमें आपको 20K की रेजिस्टेंस पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20K पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको 20K पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको 20K की रेंज पे सेलेक्ट कर दिया है, ये देखिए। अब इसका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए इस इनलेट वॉल्व का 3.3 किलो ओम से बीच में 4.9 किलो ओम के बीच में रेजिस्टेंस आना चाहिए, यानी कि 3.3 टू 4.9 किलो ओम के बीच में हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो मैं इस पे चेक कर लेता हूँ। अभी आपके सामने जो इनलेट वॉल्व है ये फ्रंट लोड का है, और फ्रंट लोड के अंदर दो वाल्व होते हैं, एक ही इनलेट होता है लेकिन अंदर जो होते हैं वो दो वाल्व होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि दो वाल्व है, वाल्व लगे हुए हैं यहाँ पर। टॉप लोड के अंदर आपको सिंगल वॉल ही मिलने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो रेंज मैंने रख ली है 20K पे, तो ये मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 4.39 किलो ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, दूसरे में भी चेक कर लेते हैं 4.36 किलो ओम। तो इसका मतलब है ये हमारा जो इनलेट वॉल्व है ये बिल्कुल ओके है, हमें सप्लाई मिल रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी ठीक है। और अगर फिर भी पानी नहीं आ रहा है, तो आपको ये चेक करना होगा पानी का प्रेशर जो है, और पाइप के जो इनलेट वॉल्व है उसके जो नेट होता है उसमें कोई कचरा तो नहीं है। अब हम एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, अगर इनलेट वॉल्व ख़राब होता है तो उसमें एक चीज़ और भी होती है। उस कंडीशन में आपको मीटर में यहाँ आप देखेंगे बज़र वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन बज़र जो आप देख रहे हैं सिंबल सा बना हुआ है, इस पर आपको मीटर को रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बज़र मोड में रख दिया है, तो इसमें आपको चेक करना है कि आपको क्या इसमें बीप आता है इस तरीके का, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने दोनों को आपस में शॉर्ट कर रहा हूँ तो आपको एक बज़र सुनाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके की रेंज में रखने के बाद आप मीटर से इसके टर्मिनल पे चेक करेंगे, अगर ये बीप आ रहा है इसका मतलब इनलेट वॉल्व शॉर्ट हो चुका है या उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में बीप नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ओके है। अगर आपको यहाँ पे बीप मिलता है इस तरीके का दोनों टर्मिनल पे लगाने पे, तो इनलेट वॉल्व आपका ख़राब कंडीशन में है। तीसरा क्या होगा कि इनलेट वॉल्व के ऊपर जब आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, या आप 20K पे रखेंगे या बजर पे, आपको कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो भी इनलेट वॉल्व ख़राब माना जाएगा, क्योंकि वो ओपन हो चुका है। तो ये था तरीका हमारे फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर इनलेट वॉल्व को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।